इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन पद यात्रा फरीदाबाद के NIT 86 विधानसभा क्षेत्र पहुंची और पद यात्रा को लोग खूब समर्थन भी दे रहे हैं। वहीं इस यात्रा को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल की नेता जगजीत कौर पन्नू से हमारे संवाददाता संदीप गोयल ने की खास बातचीत। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंडियन नेशनल लोकदल की पद यात्रा जो है अब 20वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और फरीदाबाद में जारी है। हमारे साथ कैसे स्वागत हो रहा है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि अब बदलाव की ओर लोग आकर्षित हैं, क्या कुछ लग रहा है, कितना फायदा देने वाली है इनेलो की? मैं तो सिर्फ दो बात जानती हूँ, कहते हैं संघर्ष हमेशा विजयी होता है और हम लोग संघर्ष के राह पे चल रहे हैं और जनता परिवर्तन चाहती है, ये आप खुद भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि चाहे महंगाई को लें, चाहे भ्रष्टाचार को लें, और तो और छोड़िए, मैं सोच रही थी शायद हमारे पास शहरों में ही सड़क नहीं है, पर जैसे पिछले लगातार एक वीक से मैं साथ चल रही हूँ, हैरानी की बात यह है किसी भी गांव के अंदर सड़क नहीं है, गांव के अंदर भी सीवरेज का पानी टूटे हुए सड़कों पे है, तो शहर नहीं गांव भी बदसर हाल में पहुंच गए हैं। और जब कहते हैं अति हो जाती है तो बदलाव होता ही होता है, अब इस सरकार की अति हो चुकी है और जनता बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अब जहाँ जहाँ सभाएं भी हो रही हैं वहाँ पर भी लोग जुट रहे हैं, पिछले विधानसभा से बाद अब जो है दोबारा से इनेलो की इस तरह की यात्राएं देखने को मिल रही हैं, क्या 2024 में इसका किस तरह से फ़ायदा होने वाला है, क्या कुछ मानकर चल रहे हैं, जनता को किस तरह से साधने का प्रयास होगा इस यात्रा से? और कह तो रहे हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन की बात बार बार की जा रही है, कि लोगों को बताया जा रहा है कि परिवर्तन आप दोहराएं, लोगों से कहें, तो कितना लग रहा है कि लोग जुटेंगे 2024 तक? ये बहुत बड़ा वाला सच है, अभी तो यात्रा को मात्र 20 दिन हुए हैं और इस 20 दिन में आप लोगों ने खुद लोगों का प्यार मोहब्बत हमारे साथ देखा है। और मैं तो बहुत खुल के बोलूँगी, हमारे ही क्षेत्र विधानसभा की बात करूँगी, हमारे बहुत सारे साथियों को रोका गया और उसके बावजूद भी जिस तरह आज हमें लोगों का प्यार, हमें मोहब्बत, हमें सम्मान मिली है, ये बात इस तरफ बिल्कुल आपका इशारा कर रही है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग जो सरकार, जो स्मृति ईरानी 400 सिलेंडर सड़क पे लेके बैठी थी, आज 1200 हो गया तो वो एक शब्द नहीं बोल रही हैं। जिसकी 5-7 हज़ार तनख्वाह होगी वो 1200 का एक सिलेंडर से तो काम चलता नहीं ना। और उससे बाद जो हमारे पीले कार्ड वो गरीब जनता के लिए थे, मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 1,80,000 का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र बनाते हैं और उसका राशन कार्ड और उसकी पेंशन कार्ड देते हैं, यानी मात्र 15,000 तनख्वाह हुई, 15,000 में कौन सा ऐसा इंसान है जो उस बेनिफिट से बाहर हो जाता है? अच्छा पन्नू जी, इस बार जब आप विधानसभा चुनाव में पहुंचेंगे तो लग रहा है कि पार्टियां और भी निकल कर कई आ गई हैं, आम आदमी पार्टी हो, JJP हो, कांग्रेस भी राहुल गांधी की यात्रा के बाद फिर से लग रहा है जिंदा हो गई है हरियाणा में, तो इस बार कड़ा मुकाबला मानेंगे और दूसरी पार्टियों के साथ? मैं तो एक सीधी सी बात जानती हूँ, ये जनता है, कब किसको ताज पहना दे, कब किसको पैरों पे ले आए, ये बिल्कुल नहीं जानते। हमारा काम है लोगों के बीच में रहना, उनकी तकलीफ परेशानी को जानना और बाकी मैं जनता पे छोड़ती हूँ, अगर उन्हें लगेगा ये बहन इस लायक है तो मुझे अपना प्यार और अपना साथ जरूर देंगे। अच्छा, हम अभी जब पदयात्रा में थे तो लोग मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, लोगों का कहना है कि जनता के मुद्दों को आखिर इनेलो क्यों नहीं उठा पा रही है, जनता के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है, और बीच बीच में जनता के मुद्दे उठते रहे, जनता के बीच अगर इनेलो पहुंचे तो यकीनन जो है 2024 में, मैं देखिए अपनी विधानसभा की अगर बात करूं तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहता, चाहे वो सड़कें नहीं बनती उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, पानी नहीं मिलता तो करते हैं, और सीवरेज है तो करते हैं, महिलाएं हैं तो करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग जनता के बीच में नहीं है। अगर हम जनता के बीच में ना होते तो ये आज जो लोग चल रहे हैं ये आपके लोकल विधानसभा NIT 86 के आपके साथ चल रहे हैं, तो ये अपने घरों में बैठे होते, पर ठीक है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर हम उनकी बात को भी सिर माथे करते हैं और कोशिश करेंगे अगर किसी को हमसे शिकायत है हम इसको और पुरजोर से करें और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने लेकर आए। तो बिल्कुल, देखिए लगातार जो इनेलो की पदयात्रा है वो आगे बढ़ रही है और आज फरीदाबाद के NIT विधानसभा क्षेत्र में है और कहीं ना कहीं अब इनेलो दोबारा से जो है कहीं की विधानसभा चुनावों की जो तैयारी है उसमें जुट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।